क्या अंजू को नसरुल्ला के साथ शादी करने पर अब पछतावा हो रहा है? क्या अंजू ने पाकिस्तान जाकर जो किया उसको लेकर अब अंजू पश्चाताप करना चाहती है? दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा ही कुछ अब अंजू के बयान बता रहे हैं। आज तक से बातचीत करते हुए अंजू ने कहा कि उसे इंडिया आने लायक नहीं छोड़ा गया है, वहाँ मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं कहाँ जाऊंगी। ये बयान अंजू दे रही है। आपको बताएं तो अंजू जब से पाकिस्तान गई है वो स्पष्ट रूप से ना ही कुछ कह रही है, और अब से 3-4 दिन पहले अंजू पाकिस्तान से भारत वापस आने की बात कह रही थी। अंजू का कहना था कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद वो भारत वापस लौट आएगी। शादी की खबरों को लेकर भी अंजू ने अब तक कुछ खास बयान नहीं दिए हैं। हालांकि नसरुल्ला और पाकिस्तानी मीडिया में अंजू और नसरुल्ला की शादी का दावा किया जा रहा है। आज तक ने जब अंजू से यही सवाल पूछा कि क्या आप किसी उलझन में हैं, आपकी शादी की खबरें और वीडियो सामने आने के बाद अब भी आप अपनी शादी को लेकर झूठ क्यों बोल रही हैं? इसको लेकर अंजू ने कहा कि देखो जी, मेरी निजी लाइफ है, फालतू में मेरे चित्र उड़ा दिए। मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं सब देख रही हूँ। मैं पति को कुछ नहीं समझती हूँ, मैंने उनको बहुत टाइम से छोड़ रखा है, उनकी बातों से पता नहीं चल रहा है कि उनको मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं है। अंजू के जवाब में एक और बात निकल कर सामने आई है कि अंजू अपने पति को लेकर झूठ बोल रही है। अंजू ने बीते कुछ दिनों में कई बार अपने पति के साथ रिश्तों को लेकर कहा है कि अंजू और उसके पति के बीच रिश्ते खराब हैं। अंजू ने इस बार भी कहा है कि वो अपने पति से कई दिनों से दूर रह रही है और उसने अपने पति को तलाक का नोटिस भी भेजा है। लेकिन दूसरी ओर अंजू और उसके पति को लेकर अंजू के पिता और उसके भाई का कहना है कि अंजू और उसके पति अरविंद के साथ रिश्ते सामान्य हैं और अब तक दोनों राजी खुशी से रहते आए हैं। आपको बताएं तो बीते 21 जुलाई को राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और दो बच्चों को छोड़कर चली गई थी। अंजू ने पति से कहा था कि वो जयपुर अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन अंजू जिस कंपनी में काम करती थी वहां उसने ये बताया था कि वो अपनी बहन के पास गोवा जा रही है। ऐसे में अंजू को लेकर कई सवाल हैं और अंजू को लेकर कई संदेह भी अब सामने आ रहे हैं।